नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 फ्रॉम सेमेस्टर 2, प्रहेलिका। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए, एक इशू शायद हो सकता है कि आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो। ओके, तो उस कंडीशन में आपको मैं 2-3 ऑप्शन देती हूँ कि या तो आपको नई परचेज कर लेनी है, या फिर अगर आप परचेज नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स कि मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास में जो टेक्स्ट बुक है उससे आप जेरोक्स करा लो, या फिर आप मार्केट से ख़रीद लो। मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप उनको फ़ोन करके पूछ लो कि कब तक आएगी। राइट, बट टेक्स्ट बुक आपको लेनी है। अब प्रहेलिका का मतलब क्या होता है? तो प्रहेलिका का मतलब इंग्लिश में होता है पजल। राइट, पजल्स यानी प्रहेलिका यानी पहेलियाँ। जो आप पहेलियाँ होते हैं, आप पूछते हैं ना एक दूसरे को उल्टा सीधा, एक समान, मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम या 8 अक्षर का मेरा नाम, इस तरह से संस्कृत में जो स्टैंजा है, पहेलियाँ हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पजल कौन सी है? वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रन्नम घटो न मेघः। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष यानी ट्री, TREE लिखा है। ओके, ट्री। अग्र यानी उसके टॉप पर, वासी यानी लीव्स, रहने वाला। राइट, यानी वृक्ष के ऊपर रहने वाला। पक्षी राजा, इट मीन्स बर्ड, पक्षियों का राजा कौन होता है? ओके, तो पक्षी राजा। त्रिनेत्रधारी, इट मीन्स 3 eyes, जिसकी 3 आँखें हैं वह। शूलपाणी, इट मीन्स जो त्रिशूल होता है, 3, तो जिसके 3 arrows होते हैं ना, उसको बोलते हैं त्रिशूल। त्वग्वस्त्रधारी, त्वग्वस्त्रधारी का मतलब यह होता है कि जो भगवा वस्त्र है, जो पीले कलर के कपड़े धारण करते हैं, जो होल्ड करते हैं, जो पहनते हैं, उसको बोलते हैं त्वग्वस्त्रधारी। सिद्ध योगी यानी ये जो साधु संत तो होते हैं उसको सिद्ध योगी बोला गया है। जलम मीन्स पानी, वाटर। विभ्रन्न यानी भरा हुआ, फुलफिल। गटम यानी पॉट, घड़ा। और मेघम यानी क्लाउड। अब यहाँ पर इस ये जो पजल दी गई है उसका क्या मतलब है? वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, ना तो वृक्ष के ऊपर रहने वाला हूँ, ना ही पक्षियों का राजा हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, ना तो 3 आँखें मैंने धारण कर रखी है, ना ही मेरे पास त्रिशूल है। राइट, इसमें यह है कि वृक्षाग्रवासी, वृक्ष पर रहने वाला हूँ, मैंने इसको थोड़ा अलग पे मैं एक्सप्लेन किया। ये एक्चुअली इस तरह का है कि वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के आगे यानी वृक्ष के ऊपर रहने वाला हूँ, लेकिन पक्षी राजा है, लेकिन मैं वो पक्षी नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी, 3 आँखें हैं, लेकिन न च शूलपाणी, त्रिशूल नहीं हूँ। त्वग्वस्त्रधारी, मैंने भगवा वस्त्र यानी कि मैंने केसरी कलर के वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन न च सिद्ध योगी, मैं साधु पुरुष नहीं हूँ। जलम च विभ्रन्न, मुझ में जल भरा हुआ है, लेकिन घटह न मेघ, न मैं घड़ा हूँ, न मैं बादल हूँ। ओके, तो वो कौन हुआ? ये एक पजल है जो आपको सॉल्व करनी है। इसका जो आंसर है वो हम लाइव लेक्चर पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। राइट, लेकिन फिलहाल आपको ये सोचना है और टेक्स्ट बुक में देख के आंसर देना है कि ये क्या हो सकता है कि वृक्ष के आगे तो रहता है लेकिन पक्षी राज नहीं है, 3 आँखें तो हैं लेकिन शूल पानी नहीं है, त्वग्वस्त्र धारण तो किए हैं लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, पानी से भरा हुआ है लेकिन घड़ा, ना तो घड़ा है ना ही बादल है, तो वो कौन है? हु इज़ ही और हु इज़ इट? तो इसका आंसर यू हैव टू फाइंड ऑन योर सेल्फ। ओके, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि हमारा जो चैप्टर होते हैं वो या तो 8 होते हैं या 9 होते हैं, इससे ज़्यादा हमारा कंटेंट होता नहीं है, राइट। अब पहले तो हमारा जो सेशन था वो अप्रैल, उसमें भी मई में वैकेशन था, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर उतना चला था, उसमें भी रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ये वो सारी छुट्टियाँ, फेस्टिवल्स जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, एक मंथ तो कम ही कर दो, ये 4 मंथ हमने पढ़ा था। अब क्या है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अब भी आपको 5 मंथ्स पढ़ना है। तो 5 मंथ्स में अगर मैं बहुत ज़्यादा एक दिन में अगर एक चैप्टर ख़त्म कर देती हूँ तो आगे जाके आपके हिंदी में तो फिर भी ग्रामर भी होता है जो मुझे कराना होता है ना, यानी मैं एक्स्ट्रा आपकी बुक में नहीं दे रखा है तो भी मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, राइट। लेकिन संस्कृत में तो आपके इतना ग्रामर भी नहीं आता है जिसको मुझे अननेसेसरी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। संस्कृत में भी हो सकता है आपके वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा मिनट्स के ना हो, 10 मिनट्स का हो या 15 का हो या 12 मिनट्स का हो, वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि कंटेंट इतना नहीं है, राइट। तो कंटेंट जितना होगा उतना, अब एक दिन में मैंने ये 5-6 श्लोक करा दिए तो एक चैप्टर तो हो गया एक दिन में, ऐसे अगर 1 वीक में या 2 वीक में पीरियड आते हैं तो 2 और 3 वीक में तो कोर्स ख़त्म हो जाए, तो बाकी के 3-4 महीने करने का क्या है ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे वो लिमिटेड पढ़ेंगे ताकि वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, थोड़ा थोड़ा आपके लिखने का वर्कलोड भी इतना बढ़ ना जाए। और दूसरा ये कि आपको, अब जैसे आज मैंने आपको समझाया है तो आज मैंने आपको पूरा हिंदी में समझाया है, क्योंकि कुछ बच्चे को ऐसा रहे, अब देखो एक चीज़ तो आपको दिमाग में फिट कर लेनी है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आपको समझने का ट्राई भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, बट मैं उसको पहले हिंदी में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे पहले से गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है, उनके लिए डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो अब उनको मैं ये बोलूँ कि नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले गुजराती मीडियम में पढ़ा है और अब उन्होंने अपना मीडियम चेंज किया, तो मुझे तो दोनों तरह के स्टूडेंट को ध्यान में रख के एक्सप्लेन करना होता है। इसलिए मैं क्या करूँगी कि ये जो वीडियो आज बनाया है वो मैं पहले हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, दूसरे दिन वही सारा वीडियो मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या होगा उससे कि जो गुजराती मीडियम से जो बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है या जो नए बच्चे हैं उनको, जिसको डिफ़िकल्टी हो रही है, वो अच्छे से समझ जाए, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको ये फील ना हो कि उनकी वजह से हम क्यों हिंदी में पढ़ें। तो पढ़ना तो इंग्लिश में ही है, ये क्लियर है, वो सब बच्चों को क्लियर है चाहे वो कोई भी मीडियम से आए हो, बट अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, फिर उनको इंग्लिश में समझ में आएगा। तो दोनों तरह के स्टूडेंट को टैकल करते हुए, दोनों तरह के स्टूडेंट्स से डील करते हुए मैंने ये इसका तोड़ निकाला है, राइट। अब सेकंड क्या है, देखिए, नारी नर नारी समुत्पन्ना शास्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। नर नारी समुत्पिता समुत्पन्ना शास्त्री देह वर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति, यानी कि नर नारी से उत्पन्न वह स्त्री नर नारी समुत्पन्ना सा देह स्त्री देह वर्जिता, इट मीन्स वह स्त्री जो देह वर्जित है, ओके चलो। तो इसका क्या है कि नर नारी दोनों से उत्पन्न हुई है, ओके, नर और नारी दोनों से उत्पन्न हुई है, लेकिन नर नारी से उत्पन्न होना यानी कि उससे पैदा होना, नर मीन्स मेल और नारी मीन्स फीमेल, पुरुष और स्त्री से उत्पन्न होना यानी कि उससे उस निकली है, लेकिन वह स्त्री नहीं है, देह विवर्जिता, देह मीन्स बॉडी, देह का मतलब क्या होता है बॉडी, और विवर्जिता यानी विदाउट बॉडी, ओके, यानी कि वह नर और नारी से उत्पन्न हुई है लेकिन वह बिना बॉडी की है, उसका कोई शरीर नहीं है।
अमुखी, विदाउट माउथ, उसका मुख नहीं है, उसका मुंह नहीं है, लेकिन फिर भी कुरुते शब्दम, फिर भी वह शब्द करती है, राइट? वह फिर भी शब्द करती है, वह नर नारी से उत्पन्न हुई है लेकिन फिर भी उसका शरीर नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि नर नारी यानी मेल और फीमेल से अगर कोई उत्पन्न होता है तो कौन उत्पन्न होता है? बच्चा, एक किड या चाइल्ड, बेबी, राइट? लेकिन ये नर और नारी यानी मेल और फीमेल से उसका बॉर्न तो हो रहा है पर उसके पास कोई उसका बॉडी नहीं है। अमुखी कुरुते, अमुखी यानी उसका फेस नहीं है, वो विदाउट फेस है, फिर भी वो शब्दम कुरुते यानी कि वो वॉइस करता है, वो आवाज़ करता है। जात मात्रा विनश्यति, उसका जन्म, जात यानी बॉर्न होना और विनश्यति यानी डेथ होना, उसका जन्म भी होता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो वह कौन है? तो वो आपको आंसर सर्च करना है कि वह कौन है, राइट? तो ये सारे मैं आपको क्यों बता रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होता है। अभी मैं चाहूँ तो आपको इसका आंसर भी बता दूँ, ये फर्स्ट वाले का आंसर बता दूँ, मैं इसका सेकंड वाले का आंसर बता दूँ, पर ये पज़ल है, पज़ल को एक्सप्लेन मैं करूँगी लेकिन उसका आंसर तो आपको देने का ट्राई तो कर सकते हैं आप। चलो आप आंसर दे ना सके ये अलग बात है, बट आप ट्राई तो कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो बस आपको वो ट्राई ही करना है, राइट? अब यहाँ पे देखो, ये है कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिहा न च सर्पिणी, पंचवर्ती न पांचाली, यो जानाति स पंडित। यानी कृष्णमुखी ब्लैक माउथ, काले मुख वाली हूँ, लेकिन न मार्जारी बट कैट, मार्जारी यानी बिल्ली, कैट, लेकिन कैट नहीं हूँ। कृष्णमुखी यानी काले मुंह वाली हूँ लेकिन बिल्ली नहीं हूँ। द्विजिह्वा यानी टू टंग्स, दो जीभ है, दो टू टंग्स है, लेकिन न च सर्पिणी, लेकिन स्नेक यानी सांप नहीं हूँ। सांप होती है नागिन, उसके दो यानी नाग नागिन, उनके दो टंग होती है, तो ये बोल रहे हैं कि दो टंग है लेकिन मैं सांप नहीं हूँ। पंचभद्री, पांच पति वाली हूँ, भर्तरी यानी हस्बैंड, पांच पति वाली हूँ लेकिन पांचाली, पांचाली किसको बोलते हैं? द्रौपदी, द्रौपदी आपने सुना होगा महाभारत में, उसके पांच पति थे, तो यहाँ पे भी ये बोला है कि पांच पति वाली हूँ लेकिन पांचाली नहीं हूँ। यो जानाती, हु नोस, जो जानता है यानी जो इसका आंसर जानता है, सह पंडित, वही इंटेलिजेंट है। ओके, तो इसका आंसर आपको देना है कि कौन है। तो आज मैंने स्टूडेंट्स ये तीन पज़ल कराई आपको, ये वन, ये टू और ये थ्री, राइट? तो थ्री पज़ल्स का आंसर आपको सर्च करके रखना है। नेक्स्ट जब पीरियड आएगा तब मैं फोर्थ फिफ्थ कराऊंगी और उसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। इसके अलावा आपको इसका ट्रांसलेशन भी लिखाऊंगी, लेकिन वो ऑनलाइन लेक्चर जब जूम मीट पे होगा तब मैं आपको उसका ट्रांसलेशन लिखाऊंगी, इसलिए उस टाइम पे आपको अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मैंने क्यों ये शॉर्ट वीडियो बनाया है, क्योंकि आपके सिलेबस जल्दी ख़त्म ना हो जाए और आपकी चीज़, एक एक चीज़ आपको अच्छे से माइन्यूटली समझ में आए, इसके लिए ये मैंने किया है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। घर पे रहना, सेफ रहना और बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, क्योंकि अभी कोरोना बहुत बढ़ गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।